पहले से ही बॉलीवुड के बुरे दिन चल रहे हैं और उस पर से हर आने वाली फिल्म का बायकॉट। जी हाँ, क्या करे, बॉलीवुड समझ नहीं आ रहा। देखा जाए तो बॉलीवुड के लिए साल 2022 जो है बड़ा मुश्किल भरा है। जो भी बड़ी फिल्में आ रही हैं उसको कुछ ना कुछ जो है कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जा रहा है, विरोध हो रहा है। बायकॉट गैंग इतना सक्रिय हो जाता है इस फिल्म के खिलाफ कि उस फिल्म को देखने लोग सिनेमाघरों में जा ही नहीं रहे। तो आपको बताते हैं कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिल्में इस साल आईं लेकिन उनको जो है विरोध झेलना पड़ा। आपने लाल सिंह चड्ढा फिल्म आमिर खान की आई थी, ये फिल्म अच्छी थी। इस फिल्म को समीक्षकों ने 4 से ज़्यादा स्टार्स दिए। फिल्म एंटरटेनिंग थी। जब ये फिल्म OTT पे आई तो सभी लोगों ने इस फिल्म को देखा लेकिन सिनेमाघरों में देखने कोई नहीं गया। तब लोगों ने इस फिल्म का विरोध इस बात पर किया कि भाई आमिर खान ने जो है साल 2016 में ये कहा था कि भारत में इंटॉलरेंस बढ़ रहा है और मेरी बीवी ये कहती हैं कि अब इस देश को छोड़कर कहीं और जाने का मन कर रहा है। तो उन्होंने बयान दिया, उसके बाद उनका ज़बरदस्त विरोध हुआ। हालांकि बाद में उन्होंने माफ़ी भी मांगी। इस साल भी जब उनकी फिल्म आने वाली थी और बायकॉट गैंग सक्रिय हुआ, उसके बाद जो है आमिर खान ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर माफ़ी मांगी कि अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद लोग नहीं पिघले और लोग जो है उनकी फिल्म देखने सिनेमाघरों में नहीं गए क्योंकि उनके प्रति जो है कहीं ना कहीं एक बायकॉट गैंग बहुत सक्रिय था। वहीं कुछ लोगों में भी नाराज़गी थी। उनकी फिल्म PK भी आई थी तो उस फिल्म का भी ज़बरदस्त विरोध हुआ था लेकिन फिर भी वो फिल्म चल गई थी। और आमिर खान पर ये आरोप लगा था कि उन्होंने उस फिल्म के ज़रिए जो है हिंदू धर्म को अपमानित किया। फिल्म में कई ऐसे सीन्स थे जिसके बारे में ये दिखाया गया कि मूर्ति पूजा करना जो है कोई उसका सही नहीं है। इस तरह से कुछ ना कुछ ऐसे सांकेतिक बातें हुई जिसके ज़रिए कहा गया कि भाई आपका जो नंबर है ये रॉन्ग नंबर लग रहा है। आमिर खान अपनी गाल पे भगवान की तस्वीर चिपका लेते हैं और फिर जो कहते हैं कि वो सेफ्टी के लिए उन्होंने ये किया है कि भगवान को कोई नहीं मारेगा। तो फिल्म को देखने के बाद भी कहीं ना कहीं लगा कि उस फिल्म में सबसे ज़्यादा जो है कटाक्ष हिंदू धर्म पर ही किया गया था, पूजा पाठ मूर्ति पूजा इन सब बातों को लेकर किया गया था और फिल्म का ज़बरदस्त विरोध हुआ लेकिन उसके बावजूद उनकी वो फिल्म चल गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं जो इतिहास है वो लोगों के दिमाग में रहता है और आमिर खान की फिल्म जब लाल सिंह चड्ढा आई तो लोग जो हैं उनसे इतने नाराज़ थे कि लोग उनकी फिल्म को देखने सिनेमाघरों में गए ही नहीं। और लाल सिंह चड्ढा जैसी बड़ी फिल्म जो 180 करोड़ में बनी थी वो सिर्फ जो है 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। हालांकि OTT के ज़रिए इस फिल्म ने अच्छी कमाई कर ली, OTT पे लोगों ने इसको देखा लेकिन सिनेमाघरों में इसमें जो है इस फिल्म को भारी नुकसान हुआ था। इसके अलावा आपको हम ये बताएं कि थैंक गॉड फिल्म इस बार जो है आई थी। थैंक गॉड में भी पहले हुआ कि भाई चित्रगुप्त, भगवान चित्रगुप्त का जो है इस फिल्म में कहीं ना कहीं गलत चित्रण किया गया और उसके बाद जो है लोग इस फिल्म को देखने सिनेमाघरों में गए नहीं, बहुत विरोध हुआ, कहा गया कि भाई इसमें वो सीन चेंज कीजिए, कई जगह धरना प्रदर्शन हुए और फाइनली जो है लोग इस फिल्म से नाराज़ रहे और लोग इस फिल्म को देखने नहीं गए और फिल्म जो है फ्लॉप हो गई। इस साल जो है ब्रह्मास्त्र को लेकर भी बवाल हुआ था क्योंकि ब्रह्मास्त्र के गाने में जो है रणबीर कपूर चप्पल पहनकर घंटी बजाते हुए दिखे और उनकी फिल्म की रिलीज से पहले बहुत ज़्यादा रणबीर और आलिया का विरोध हुआ। विरोध इस कदर था कि दोनों जो है महाकाल के दर्शन के लिए गए थे उज्जैन और वहाँ बिना दर्शन के उनको लौटना पड़ा था क्योंकि लोगों को लगा था कि भाई ये जो है मंदिर में चप्पल पहन के घुस गए थे। हालांकि वो एक गाने का सीन था, हो सकता है फिल्म मेकर ने इस बात को इसको शूट करते वक्त बहुत ध्यान नहीं रखा तो उसके लिए जो है उस एक छोटे से सीन के लिए जो है फिल्म का बहुत विरोध हुआ। लेकिन ये फिल्म फिर भी ठीक ठाक चल गई क्योंकि ये फिल्म भी कहीं ना कहीं से हिंदू धर्म पर आधारित थी, हिंदू माइथोलॉजी पे आधारित थी तो कुछ ना ऐसा हुआ कि भाई फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिले और लोगों ने इस फिल्म को देखी। वहीं अक्षय कुमार के खिलाफ भी बायकॉट गैंग बहुत सक्रिय है। इस साल उनकी 4 से 5 फिल्में आईं, उनकी फिल्में आती नहीं हैं, उसका टीज़र आता नहीं है कि उनके खिलाफ बायकॉट गैंग सक्रिय हो जाता है और अक्षय की फिल्मों का विरोध शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन उनकी फिल्म मैंने देखी थी, उस वो फिल्म अच्छी थी लेकिन बायकॉट गैंग इतना सक्रिय था उनके खिलाफ कि लोग वो फिल्म देखने नहीं गए और रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा एक ही दिन रिलीज हुई थी, इस वजह से भी दोनों फिल्मों को नुकसान हुआ, दोनों ही फिल्में बहुत ज़्यादा नहीं चली। और अब जो है शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर जो है बायकॉट गैंग बहुत सक्रिय है। जब से बेशरम रंग गाना आया है इस फिल्म का जो है ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं इस गाने में थोड़ी सी अश्लीलता है। दीपिका पादुकोण आज जिस लेवल की स्टार है उनको इस तरह का गाना करने की ज़रूरत नहीं थी। शाहरुख खान भी एक बहुत बड़े एक्टर हैं और इस तरह का गाना अगर उनकी फिल्म में है, उनकी उम्र जो है
57 साल की हो चुकी है और ऐसे में जब वो दीपिका पादुकोण के साथ गाने में रोमांस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को ये गाना खटक रहा है और फिर जो है इसका विरोध हो रहा है। लेकिन इस एक गाने की वजह से हो सकता है कि शाहरुख की फिल्म को बहुत नुकसान हो, लेकिन अभी लेकिन साथ में इस फिल्म की पब्लिसिटी भी हो रही है। ऐसा भी हो रहा है कि इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ लिखा जा रहा है, फिल्म पर बहुत चर्चा हो रही है। कई बार किसी फिल्म का विरोध भी होता है तो उसका फायदा जो है फिल्म को मिल जाता है, जैसे कि पद्मावत फिल्म को लेकर भी बहुत विरोध हुआ था और इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि ये फिल्म के लिए बहुत फायदेमंद रहा था। और उसके बाद ये हुआ कि पद्मावत को लेकर जो है फिल्म का नाम तक बदला गया। पहले इस फिल्म का नाम जो था पद्मावती था, फिर इसका नाम पद्मावत रखा गया। उन्होंने कहा था कि पद्मावत इसलिए नाम रखिए क्योंकि ये पद्मावत के हिसाब से है। फिल्म में जो है पद्मावती नाम रखने से था कि पद्मावती, और लोगों को पहले से ये गलतफहमी होने लगी थी कि फिल्म में जो है पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सीन्स होंगे। लोगों ने फिल्म देखे बिना इस तरह से अपने मन में बातें बना ली थी और उसका ज़बरदस्त विरोध हुआ था हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में, हर जगह जो है करनी सेना ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध किया था, राजस्थान में विरोध हुआ था। और फाइनली जब पद्मावत रिलीज हुई तो इस फिल्म ने 300 से ज़्यादा करोड़ की कमाई की। तो कभी कभी कंट्रोवर्सी से तो जो है फिल्म का फ़ायदा हो जाता है, लेकिन कभी कभी बहुत नुकसान भी होता है। जैसे इस साल 2022 में जो फिल्में आईं, ज़्यादातर फिल्मों को जो है नुकसान झेलना पड़ा। अक्षय कुमार की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई, दूसरी तरफ जो है लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हो गई, और अब शाहरुख खान की पठान आ रही है और पठान के लिए पहले से ही इतना ज्यादा नेगेटिव माहौल बना दिया जा रहा है। मुस्लिम्स ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में पठान के नाम पर अश्लीलता दिखाई जा रही है तो हम इस फिल्म का विरोध करेंगे, रिलीज नहीं होने देंगे। हिंदू ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में जो है बेशरम गाने में भगवा रंग का बिकनी जो है हीरोइन ने पहना है तो हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। तो इस तरह की बातें बहुत हो रही है जिसकी वजह से जो है ऐसा लग रहा है कि पठान जो है चौतरफा मुश्किल में है।